अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद। एंड आज हम कैनवा का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के इसको डैशबोर्ड को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मींस दैट के जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल होगा कि कैनवा को किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल, मैं गूगल से किस तरह कैनवा अपने ओपन करना है ये बताऊँगा। कैनवा डॉट कॉम। ओके जी, कैनवा मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके कस्टम डिज़ाइंस और उसके डायमेंशंस के बारे में बताऊँगा। क्रिएटर डिज़ाइन पे अगर जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे डायमेंशंस नज़र आएंगी। प्रेजेंटेशन की ये डायमेंशंस होती हैं 90:20 and 1080, और वीडियो डायमेंशन ये होती है। और उसके बाद डेस्कटॉप फोटो टाइप जो है वो ये होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट ये होती है। लोगों की डायमेंशन 5500 और मल्टीप्लाई 5000 पिक्सल्स होती है। ये पिक्सल्स के डिज़ाइन हैं। यहाँ पे सारे डिज़ाइन की डायमेंशंस और सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ से कस्टम डिज़ाइन है, कस्टम डिज़ाइन में आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मोस्टली 1080 और सेकेंड में भी मैं 1080, मैं क्योंकि स्केयर में ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं मोस्टली यही डिज़ाइन, यही टेम्पलेट जो है वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यही साइज़। देन उसके बाद मैं इसमें अपना डिज़ाइन जो भी मुझे क्रिएट करना होता है यहाँ से कॉपी कुछ कर लेता हूँ, कुछ मैं अपना बना लेता हूँ। मेरे पास कैनवा प्रो अकाउंट है, इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये होम पेज है जी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप कोई एडिट फ़ोटो कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ इंपोर्ट करके कोई भी चाहे वर्ड की बनी हो उसको भी यहाँ पे आके आप सेटल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप आ जाएं जी, उसके बाद आप इधर लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर में, इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। मैं डिफरेंट एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट और कोर्सेज के टेम्पलेट सर्च किए हुए हैं, ऑलरेडी फेसबुक पोस्ट सर्च की हुई है। देन उसके बाद आते हैं जी इधर, ये लर्निंग सेंटर है। यहाँ से आप डिफरेंट तरह के कोर्सेज कर सकते हैं और डिफरेंट जो है वो आप सर्टिफाइड कैनवा जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। और देन उसके बाद इसके फीचर्स हैं, फीचर्स के बाद इसके टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में इंस्टाग्राम स्टोरीज, यहाँ पे ऑब्वियसली पहले से साइज लिखे हुए होंगे। इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, यूट्यूब चैनल आर्ट, लिंक्डइन बैनर, इनविटेशन कार्ड, रिज्यूम, ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको सारा वो टेम्पलेट्स बताए हुए हैं। ट्रेंडिंग में कैनवा प्रिंट्स जा रहे हैं, वीडियोज़ और मेन्यूज़। आप यहाँ पे जो होटल्स के मेन्यूज़ हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो प्रेजेंटेशन के बहुत सारे डिज़ाइंस दिए हुए होते हैं, वीडियोस के बहुत सारी जो दी होती हैं। अगर मैं सिर्फ इसको ओपन कर लूँ, ये लोगों को, लोगों वाले को, तो इसमें आपको बेशुमार लोगों के डिज़ाइंस यहाँ पे साथ में शो हो रहे होंगे। आप किसी को भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। फर्दर अभी इस साइड पे मैं आना नहीं चाह रहा, मैं कैनवा होम पेज पे ही रहना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर आपको थोड़ा सा इसमें देखें, आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। सारे ऑब्वियसली पहले से ही साइजेस दिए हुए हैं और आपने उन्हीं को लेके एडिट करना है। या आपने अगर नए क्रिएट करने हैं स्टार्ट से तो देन इसमें फ्लायर, बिजनेस कार्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी, बैनर, लेटर हेड, देन योर स्टोरी, डेस्कटॉप वॉलपेपर, फोटो कॉलेज, रिज्यूम बहुत ज़बरदस्त इसमें बन जाती है, मोबाइल वीडियो बन जाती है अच्छी, इनविटेशन स्केयर्स बन जाते हैं, वेबसाइट आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर आप लैंडस्केप में डिज़ाइन कर सकते हैं, फेसबुक वीडियो डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी ऑलमोस्ट सारे हो गए। यहाँ पे आपको आएंगे, इसमें ऐसा चाहे आपको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर आ जाते हैं जी। ये आपके लिए सारा वो है रिकमेंडेड। यहाँ पे आपके जो पास्ट ऑल जितने भी आपके डिज़ाइन आप जो भी करेंगे वो यहाँ पे सेव होंगे। और इसमें ऑटो सेवर लगा हुआ होता है, आप कुछ भी करके छोड़ेंगे। अब ये मैंने बिल्कुल खाली पोस्टर छोड़ा था और वो वैसे वैसे का वैसे ही खाली पड़ा हुआ है इस टाइम भी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी इधर, ये रिसेंट डिज़ाइन है, ये कैनवा प्रो का ऑप्शन है। मेरा अकाउंट प्रो है, मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं उनका अकाउंट फ्री होता है तो मैं फ्री वालों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मोस्टली। उसमें प्रो यूजर्स भी इसमें चेक कर सकते हैं। ये जी रिसेंट डिज़ाइन हैं, ये शेयर्ड विद यू में आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कोई भी डिज़ाइन।
देन उसके बाद आ जाते हैं, ये ब्रांड किट है। ब्रांड किट में ये है कि आप इसमें अपने कलर्स अपनी फोन्स अपलोड कर सकते हैं, बाहर से ला के अपलोड कर सकते हैं, या फोन्स यहाँ पे अपनी ही यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ब्रांडेड कलर। यहाँ पे आप अपनी एक ब्रांड किट बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कंटेंट प्लानर। इसमें आप कोई अपना कंटेंट प्लान कर सकते हैं, कोई मींस दैट के कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं। इसमें आपके फोल्डर्स आ जाते हैं, आप कोई भी चीज़ लाइक करते हैं वो इसमें सेव होती है। कोई भी आप पोस्ट या कोई टेम्पलेट लाइक करते हैं, कोई अपलोड करते हैं, वो यहाँ पर सेव होती है। और देन फिर उसके बाद आ जाते हैं वापस अपने परचेज पे। देन उसके बाद आप देखें यहाँ पे मेरे सारे डिज़ाइन हैं, ये मेरे फोल्डर्स आ जाएंगे, ये मेरा ट्रैश बिन है कि जहाँ पे मेरे डिज़ाइन जो मैंने डिलीट कर दिए हुए वो पड़े रहेंगे, 60 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। देन उसके बाद फिर वापस होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे आते हैं उसके बाद जी सिंपल सा आप कोई डिज़ाइन उठाते हैं, तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें हम क्या करेंगे कर सकते हैं। मीन्स दैट कि एक सिंपल जो पोस्ट है या एक सिंपल फर्दर है उसको किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं जी। अच्छा यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी टेम्पलेट यही मैं उठा लेता हूँ जिसमें एक पिक्चर भी है। और इसमें देखें ये मैं पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, एक बच्चे की पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे, एडजस्ट की हुई है। मैं वापस एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर डबल क्लिक करने के बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। डबल क्लिक के अलावा आप इसके इसके साथ ऑप्शन है क्रॉप का, आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, उसी एरिया के अंदर अंदर ही आप इसको ठीक से बैठा सकते हैं। कहीं पे भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे, एडिट पिक्चर में आके आप इसको डिफरेंट वेज में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आप इसकी ब्राइटनेस तेज कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ये जो सेचुरेशन है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इस पर कोई फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इस पर कोई भी फिल्टर अप्लाई करके फिर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा, फिल्टर की इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें बहुत सारे टोन्स हैं, उसमें डिफरेंट तरह के आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं उस पे, और फिर फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें इसमें। शेडो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कैनवा प्रो का शायद ऑप्शन है, और ये शायद आपको ना मिले, बट आप ट्राई कीजिएगा, आपको इसमें अगर मिलता है तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसको इस तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं शेडो। ये देखें इस तरह से इस पे शेडो अप्लाई हो जाएगा और बड़े ज़बरदस्त एक व्यू आएगा आपको। देन उसके बाद आप आ जाएं जी पिक्चर पे क्लिक करके, मैं इसको बैक कर दूंगा ताकि मेरे पास क्लियर पिक्चर आ जाए और मैं इसको ठीक तरह से एडिट कर सकूं। ओके जी, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं पिक्चर पे क्लिक करेंगे क्रॉप, देन फ्लिप कर सकते हैं आप इसको लेफ्ट या राइट या हॉरिजेंटली या वर्टली वर्टिकली। देन उसके बाद आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, कोई भी एनिमेशन के जब वीडियो बनाएं तो आप इस तरह से ये शो हो, कोई भी पूरे पूरे पोस्टर्स पे ही बन जाएगी। पूरे पोस्टर को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी बन जाएगी, और सिंपल को सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल में भी बन जाएगी। देन उसके बाद आप थ्री डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको लॉक कर सकते हैं कि कोई भी इसको मूव ना करे। देन इसके बाद आप इसकी पोजीशन इसको बैकवर्ड फुल बैकवर्ड सेंड कर देते हैं, गायब हो गई है। देन उसके बाद आप ये असल में ये बैकग्राउंड के पीछे चली गई है, बैकग्राउंड पिक्चर के, इसको मैं फ्रंट करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। इसके पीछे का जो टेक्स्ट था वो भी इसके पीछे चला गया है, इसको मैं फिर से बैकवर्ड करूंगा। अब इसको यहाँ से भी बैकवर्ड कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड, ये देखें इस तरह से आ जाएगा सारा कुछ। उसके बाद पिक्चर की आप ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्स्ट पे, टेक्स्ट ही रह गया है, टेक्स्ट में आके आप इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके एवरीथिंग इज वर्टिकल, मींस दैट कि एक वेक्टर होती है हर चीज, आप उसको किसी भी तरह से मूव ऑन करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अब इस पे क्लिक करें, आपको कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, देन बोल्ड का, इटैलिक्स का, फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट्स का, कि लेफ्ट आपने अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है। फिर आप इसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं, इसकी लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, एवरीथिंग आप इसमें चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ का ऑप्शन है इसमें आपके पास।
और देन उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आप इसमें भी इफेक्ट डाल सकते हैं। इफेक्ट्स बड़े ही खूबसूरत इफेक्ट्स हैं, कलर्स के जो फॉन्ट्स के इफेक्ट्स हैं ये देखें, बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े प्यारे इफेक्ट्स हैं। आप इसमें इस तरह से इफेक्ट्स डाल सकते हैं और इससे इससे बहुत सारे काम होते हैं। फिर इफेक्ट्स भी आगे जो है वो एडिट हो जाते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी चीज़ें कमियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी भी पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसके इसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं ये देखें, और इसमें भी आप एनिमेशन ला सकते हैं कोई भी एनिमेशन के किस तरह से ये शो हो, और ये बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन हैं इसमें, बहुत प्यारी। और देन उसके बाद आप इसके सारे लेटर्स कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट अगेन कर सकते हैं। देन उसके बाद का कोई अगर चीज़ रह गई है तो वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, आप इसमें कोई एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स एलिमेंट्स हैं कि जिनमें आप डिफरेंट तरह से, ये देखिए मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ इसकी बैकग्राउंड में, ये एक पिक्चर है बेसिकली, इसको मैं अगर सेंड बैकवर्ड कर दूँ, सेंड पोजिशन में जाके सेंड बैकवर्ड, फुली बैकवर्ड कर दूँ, तो ये इस तरह से पीछे एडजस्ट हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स इसके जो वो हैं टेम्पलेट्स हैं, उसको आप कहीं पे भी किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पोजीशन बैकवर्ड कर दूंगा मैं अगर, ये देखें पीछे चला गया। देन उसके बाद इसकी शेप्स आ जाएंगी, देन ग्राफिक्स आ गए, फिर फोटोज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वीडियोज ऐड कर सकते हैं, फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, ग्रिड्स ऐड कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आप इसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स चीज़ें ऑफ थिंग्स ऐड कर सकते हैं। जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं इसमें किसी भी वीडियो में, यहाँ से कोई भी म्यूजिक आप उठाएं। मीन्स दैट ये देखें ये म्यूजिक डाउनलोडेड है मेरे पास, आप इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं कोई, आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड यहाँ पे जाएंगे और आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं। मीन्स दैट के इसमें से आपको कुछ भी, आपको कहीं पे भी अपलोड करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये बड़ा ही इजी और बड़ा ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। सो आई होप कि आपको, आपने इससे इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन, आप जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपका लाइक, आपका कमेंट, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है ताकि हम न्यू फर्दर आपके लिए कुछ अच्छा लेके आए। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आई होप कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल वीडियो थी बिल्कुल बिगनर्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत सारों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमें स्टार्ट से अगर सिखाएं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने फिर उस पर एक वीडियो बनाई जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक और बड़ा ही एक शॉर्ट टाइम में आपको काफ़ी कुछ सिखाने की मैंने कोशिश की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमाद, एंड आज हम कैनवा का जो कंप्लीट ट्यूटोरियल्स के इसको डैशबोर्ड को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मींस दैट के जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये ट्यूटोरियल होगा कि कैनवा को किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल, मैं गूगल से किस तरह कैनवा अपने ओपन करना है ये बताऊँगा। कैनवा डॉट कॉम। ओके जी, कैनवा में सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके कस्टम डिज़ाइन्स और उसके डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। क्रिएटर डिज़ाइन पे अगर जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे डायमेंशंस नज़र आएंगी प्रेजेंटेशन की। ये डायमेंशंस होती हैं 9020 एंड 1080, और वीडियो डायमेंशन ये होती है। और उसके बाद डेस्कटॉप फोटो टाइप जो है वो ये होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट ये होती है, लोगों की डायमेंशन 5050 और मल्टीप्लाई 5000 पिक्सल्स होती है। ये पिक्सल्स के डिज़ाइन हैं, यहाँ पे सारे डिज़ाइन की डायमेंशन और सारा कुछ बताया हुआ है। यहाँ से कस्टम डिज़ाइन है, कस्टम डिज़ाइन में आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मोस्टली 1080 और सेकेंड में भी मैं 1080, मैं क्योंकि स्केयर में ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं मोस्टली यही डिज़ाइन, यही टेम्पलेट जो है वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यही साइज़। देन उसके बाद मैं इसमें अपना डिज़ाइन जो भी मुझे क्रिएट करना होता है यहाँ से कॉपी कुछ कर लेता हूँ, कुछ मैं अपना बना लेता हूँ। मेरे पास कैनवा प्रो अकाउंट है इसीलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये होम पेज है जी,
उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप कोई एडिट फोटो कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ इंपोर्ट करके कोई भी चाहे वर्ड की बनी हो उसको भी यहाँ पे आके आप सेटल कर सकते हैं। देन उसके बाद आप आ जाएं जी, उसके बाद आप इधर लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर में, तो इसको मैं थोड़ा सा खत्म कर दूं। यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। मैं डिफरेंट एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्ट और कोर्सेज के टेम्पलेट सर्च किए हुए हैं ऑलरेडी, फेसबुक पोस्ट सर्च की हुई है। देन उसके बाद आते हैं जी इधर, ये लर्निंग सेंटर है, यहाँ से आप डिफरेंट तरह के कोर्सेज कर सकते हैं और डिफरेंट जो है वो आप सर्टिफाइड कैनवा जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। और देन उसके बाद इसके फीचर्स हैं, फीचर्स के बाद इसके टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स में इंस्टाग्राम स्टोरीज, यहाँ पे ऑब्वियसली पहले से साइज लिखे हुए होंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, यूट्यूब चैनल आर्ट, लिंक्डइन बैनर, इनविटेशन कार्ड, रिज्यूम, ब्ला ब्ला एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको सारा है वो टेम्पलेट्स बताए हुए हैं, ट्रेंडिंग में कैनवा प्रिंट्स आ रहे हैं, वीडियोस और मेन्यूज, आप यहाँ पे जो होटल्स के मेन्यूज हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो प्रेजेंटेशन के बहुत सारे डिजाइन्स दिए हुए होते हैं, वीडियोस के बहुत सारी जो दी होती हैं। अगर मैं सिर्फ इसको ओपन कर लूँ, ये लोगो को, लोगो वाले को, तो इसमें आपको बेशुमार लोगों के डिजाइन यहाँ पे साथ में शो हो रहे होंगे। आप किसी को भी यूज करके आप बना सकते हैं। फर्दर अभी इस साइड पे मैं आना नहीं चाह रहा, मैं कैनवा होम पेज पे ही रहना चाह रहा हूँ। तो मैं इधर आपको थोड़ा सा इसमें देखें, आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, सारे ऑब्वियसली पहले से ही साइजेस दिए हुए हैं और आपने उन्हीं को लेके एडिट करना है। या आपने अगर नए क्रिएट करने हैं स्टार्ट से, तो देन इसमें फ्लायर, बिजनेस कार्ड, इंस्टाग्राम स्टोरी, बैनर, लेटर हेड, देन योर स्टोरी, डेस्कटॉप वॉलपेपर, फोटो कॉलेज, रिज्यूम बहुत ज़बरदस्त इसमें बन जाती है, मोबाइल वीडियो बन जाती है अच्छी, इनविटेशन स्केयर्स बन जाते हैं, वेबसाइट आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्टर आप लैंडस्केप में डिज़ाइन कर सकते हैं, फेसबुक वीडियो डिज़ाइन कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये भी कवर हो गया, ये भी हो गया, ये भी ऑलमोस्ट सारे हो गए, यहाँ पे आपको आएंगे, इसमें इसमें ऐसा सच आपको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर आ जाते हैं जी। ये आपके लिए सारा वो है रिकमेंडेड, यहाँ पे आपके जो पास्ट ऑल जितने भी आपके डिज़ाइन आप जो भी करेंगे वो यहाँ पे सेव होंगे। और इसमें ऑटो सेवर लगा हुआ होता है, आप कुछ भी करके छोड़ेंगे। अब ये मैंने बिल्कुल खाली पोस्टर छोड़ा था और वो वैसे वैसे का वैसे ही खाली पड़ा हुआ है इस टाइम भी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी इधर, ये रिसेंट डिजाइन है, ये कैनवा प्रो का ऑप्शन है, मेरा अकाउंट प्रो है, मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं उनका अकाउंट फ्री होता है, तो मैं फ्री वालों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मोस्टली। उसमें प्रो यूजर्स भी इसमें चेक कर सकते हैं। ये जी रिसेंट डिजाइन है, ये शेयर्ड विद यू में आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कोई भी डिजाइन। देन उसके बाद आ जाते हैं, ये ब्रांड किट है, ब्रांड किट में ये है कि आप इसमें अपने कलर्स, अपनी फ़ॉन्ट्स अपलोड कर सकते हैं, बाहर से ला के अपलोड कर सकते हैं, या फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अपनी ही यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांडेड कलर यहाँ पे आप अपनी एक ब्रांड किट बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कंटेंट प्लानर, इसमें आप कोई अपना कंटेंट प्लान कर सकते हैं, कोई मींस दैट के कोई इवेंट प्लान कर सकते हैं, इसमें आपके फोल्डर्स आ जाते हैं, आप कोई भी चीज़ लाइक करते हैं वो इसमें सेव होती है, कोई भी आप पोस्ट या कोई टेम्पलेट लाइक करते हैं, कोई अपलोड करते हैं वो यहाँ पर सेव होती है। और देन फिर उसके बाद आ जाते हैं वापस अपने परचेज पे। देन उसके बाद आप देखें यहाँ पे मेरे सारे डिज़ाइन हैं, ये मेरे फोल्डर्स आ जाएंगे, ये मेरा ट्रैश बिन है कि जहाँ पे मेरे डिज़ाइन जो मैंने डिलीट कर दिए हुए वो पड़े रहेंगे, 60 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। देन उसके बाद फिर वापस होम पेज पे आते हैं, होम पेज पे आते हैं उसके बाद जी सिंपल सा आप कोई डिज़ाइन उठाते हैं, तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें हम क्या करेंगे कर सकते हैं, मीन्स दैट के एक सिंपल जो पोस्ट है या एक सिंपल फर्दर है उसको किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी टेम्पलेट यही मैं उठा लेता हूँ जिसमें एक पिक्चर भी है, और इसमें देखें ये मैं पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, एक बच्चे की पिक्चर लगाई हुई है यहाँ पे, एडजस्ट की हुई है, मैं वापस एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर, डबल क्लिक करने के बाद आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, डबल क्लिक के अलावा आप इसके साथ ऑप्शन है क्रॉप का, आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, उसी एरिया के अंदर अंदर ही आप
इसको ठीक से बिठा सकते हैं कहीं पे भी। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, एडिट पिक्चर में आके आप इसको डिफरेंट वेज में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आप इसकी ब्राइटनेस तेज कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, इसका कंट्रास्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ये जो सेचुरेशन है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इस पर कोई फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इस पर कोई भी फिल्टर अप्लाई करके फिर इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा, फिल्टर की इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, वो कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें बहुत सारे टून्स हैं, उसमें डिफरेंट तरह के आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं उस पे, और फिर फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें इसमें। शेडो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कैनवा प्रो का शायद ऑप्शन है, और ये शायद आपको ना मिले, बट आप ट्राई कीजिएगा। आपको इसमें अगर मिलता है तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसको इस तरह से इस पे अप्लाई कर सकते हैं शेडो। ये देखें, इस तरह से इस पे शेडो अप्लाई हो जाएगा और बड़े ज़बरदस्त एक व्यू आएगा आपको। देन उसके बाद आप आ जाएं जी पिक्चर पे क्लिक करके, मैं इसको बैक कर दूंगा ताकि मेरे पास क्लियर पिक्चर आ जाए और मैं इसको ठीक तरह से एडिट कर सकूं। ओके जी, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्रॉप, देन फ्लिप कर सकते हैं आप इसको लेफ्ट या राइट या हॉरिजेंटली या वर्टली वर्टिकली। देन उसके बाद आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, कोई भी एनिमेशन के जब वीडियो बनाएं तो आप इस तरह से ये शो हो, कोई भी पूरे पूरे पोस्टर्स पे ही बन जाएगी। पूरे पोस्टर को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी बन जाएगी, और सिंपल को सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल में भी बन जाएगी। देन उसके बाद आप थ्री डॉट्स पे क्लिक कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको लॉक कर सकते हैं कि कोई भी इसको मूव ना करे। देन इसके बाद आप इसकी पोजीशन, इसको बैकवर्ड, फुल बैकवर्ड सेंड कर देते हैं, गायब हो गई है। देन उसके बाद आप ये असल में ये बैकग्राउंड के पीछे चली गई है, बैकग्राउंड पिक्चर के, इसको मैं फ्रंट करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। इसके पीछे का जो टेक्स्ट था वो भी इसके पीछे चला गया। इसको मैं फिर से बैकवर्ड करूंगा, अब इसको यहाँ से भी बैकवर्ड कर सकते हैं, सेंड बैकवर्ड, ये देखें इस तरह से आ जाएगा सारा कुछ। उसके बाद पिक्चर की आप ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाते हैं जी टेक्स्ट पे, टेक्स्ट ही रह गया है, टेक्स्ट में आके आप इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आकर एवरी थिंग इज वर्टिकल, मीन्स दैट कि एक वेक्टर होती है हर चीज़, आप उसको किसी भी तरह से मूव ऑन करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अब इस पे क्लिक करें, आपको कलर के ऑप्शन आ जाएंगे, देन बोल्ड का, इटैलिक्स का, फिर उसके बाद इसकी अलाइनमेंट्स का, कि लेफ्ट आपने अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। फिर आप इसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं, इसकी लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, एवरीथिंग आप इसमें चेंज कर सकते हैं। हर चीज़ का ऑप्शन है इसमें आपके पास। और देन उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आप इसमें भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इफेक्ट्स बड़े ही खूबसूरत इफेक्ट्स हैं, कलर्स के जो फॉन्ट्स के इफेक्ट्स हैं, ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त और बड़े प्यारे इफेक्ट्स हैं। आप इसमें इस तरह से इफेक्ट्स डाल सकते हैं, और इससे इससे बहुत सारे काम होते हैं। फिर इफेक्ट्स भी आगे जो है वो एडिट हो जाते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी चीज़ें कम या ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी भी पोजीशन आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसके इसमें भी आप ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें। और इसमें भी आप एनिमेशन ला सकते हैं, कोई भी एनिमेशन के किस तरह से ये शो हो, और ये बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन है इसमें, बहुत प्यारी। और देन उसके बाद आप इसके सारे लेटर्स कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट अगेन कर सकते हैं। देन उसके बाद का कोई अगर चीज़ रह गई है तो वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, आप इसमें कोई एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स एलिमेंट्स हैं कि जिनमें आप डिफरेंट तरह से, ये देखिए मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ इसकी बैकग्राउंड में, ये एक पिक्चर है बेसिकली, इसको मैं अगर सेंड बैकवर्ड कर दूँ, सेंड पोजिशन में जाके सेंड बैकवर्ड, फुली बैकवर्ड कर दूँ, तो ये इस तरह से पीछे एडजस्ट हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स इसके जो वो हैं टेम्पलेट्स हैं, उसको आप कहीं पे भी किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पोजीशन बैकवर्ड कर दूंगा मैं अगर, ये देखें पीछे चला गया। देन उसके बाद इसकी शेप्स आ जाएंगी, देन ग्राफिक्स आ गए, फिर फोटोज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वीडियोज ऐड कर सकते हैं,
फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, ग्रिड्स ऐड कर सकते हैं, मीन्स दैट कि आप इसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स चीज़ें ऑफ थिंग्स ऐड कर सकते हैं। जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें वीडियो ऐड कर सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं इसमें किसी भी वीडियो में, यहाँ से कोई भी म्यूजिक आप उठाएं, मीन्स दैट ये देखें ये म्यूजिक डाउनलोडेड है मेरे पास, आप इसके बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, कोई आप अपलोड कर सकते हैं, अपलोड यहाँ पे जाएंगे और आप कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, मीन्स दैट के इसमें से आपको कुछ भी, आपको कहीं पे भी अपलोड करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये बड़ा ही इजी और बड़ा ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। सो आई होप कि आपको, आपने इससे इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन, आप जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, आपका लाइक, आपका कमेंट, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है ताकि हम न्यू फर्दर आपके लिए कुछ अच्छा लेके आए। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आई होप कि आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत ही सिंपल वीडियो थी, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत सारों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमें स्टार्ट से अगर सिखाएं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने फिर उस पर एक वीडियो बनाई जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक और बड़ा ही एक शॉर्ट टाइम में आपको काफ़ी कुछ सिखाने की मैंने कोशिश की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।